एक आपने अक्षरा के साथ भी बड़ा चर्चित फिल्म की, जिस के बाद आपको वेनेजुएला में सिक्स कुछ हम किए वो दिन गाने लगे जी कौन से हाँ बिल्कुल कोविड के समय मैंने एक फिल्म की थी कोविड से पहले जस्ट मार्च में कोविड लगा था और मार्च में ही रिलीज हुई बड़े कठिनाइयों के साथ फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम है लव है अक्षर और आपकी लव बिल्कुल उसमें मैं एज ए नायक और मेरी नायिका अक्षरा सिंह जी थी और मुझे नहीं पता था मेरे पास फिल्म आई। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे निर्देशक थे विष्णु शंकर वेलू जी कहानी सुनाए बड़ा अच्छा कहानी था और मुझे सच में नहीं पता था कि इसकी नायिका अक्षरा सिंह जी। जब मुहूर्त पे हम पहुँचते हैं तो रिवील हुआ कि अक्षरा सिंह जी कर रही हैं और मैं मेरे अपोजिट और उसी समय उनका कुछ विवाद भी चल रहा था और ठीक है जो भी उनका व्यक्तिगत था मसला हाँ बहुत चर्चे में रहा जी। और इसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि उस विवाद के बाद उनकी पहली फिल्म अच्छा हाँ और मीडिया बंधु सारे लोग थे मुहूर्त में तो ये सवाल उठा मुद्दा उठा और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी न्यूज और दूसरे दिन बहुत सारे लोगों का फॉल भी आने लगा कि आपको सिनेमा नहीं करना है कैसा। मैं बोला भैया हमारी रोजी रोटी यही है इसी से घर परिवार चलता हो एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनका व्यक्तिगत क्या मसला मुझे कुछ लेना देना नहीं मुझे अपने कार्य से लेना देना है और मुझे अगर मौका मिल रहा है तो छोड़ना है तो नहीं नहीं आपको करना नहीं है आप बहुत गलत कर रहे हो करियर आपका खराब हो जाएगा आप यहाँ तक की बातें हुई। कट्टू मुहूर्त के एक हफ्ते बाद शूटिंग का डेट फाइनल हो गया था हम डेट पे पहुंचे अक्षरा जी के साथ भी मेरी पहली फिल्म थी दो तीन दिन शूटिंग बीता तो मैंने सवाल अक्षरा जी को मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं तो उस समय अक्षरा जी ने भी मुझे समझाया और कहीं रह के मैंने भी उनको समझाया बहुत सारी बातें हुई कभी किसी के व्यक्तिगत मैं क्या कोई भी इंसान व्यक्तिगत किसी के मसले में न जाए न जाना चाहिए तो उसी तरह मैंने फिर भी लेकिन जब हम काम करते थे दोस्त हो जाते हैं एक अच्छे साथी हो जाते हैं क्योंकि हमें 15-20 दिन शूटिंग करनी होती एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ शूटिंग करनी होती तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही तो मेरे अंदर वो हिम्मत आया कि एक स्त्री हो कि एक महिला हो कि एक लड़की हो कि आज इतनी मतलब चीज़ों को फेस करने के लिए स्ट्रांग है तो मुझे तो चंद फ़ोन आ रहे हैं और फ़ोन में ये कहा जा रहा है कि आप इनके साथ काम करोगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा और आपको काम नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा तो ये तो बहुत मेरे लिए छोटी बात है मैं भी देखता हूँ तो मैं उस सिनेमा किया सिनेमा बहुत चर्चे में रही बहुत खूबसूरत सिनेमा बना उसमें 22 कलाकार रहे सारे इंडस्ट्री के अवधेश मिश्रा से लेके आयाज खान से लेके विनोद मिश्रा से लेके जितने बड़े भोजपुरी सिनेमा के सारे सपोर्टिंग एक्टर उसमें काम किए मैं एज ए हीरो और अक्षरा जी एज ए हीरोइन खूबसूरत फिल्म बनी और उस फिल्म को खेसारी जी ने खरीदी अच्छा हाँ उन्होंने म्यूजिक कंपनी खोला था 26 म्यूजिक अभी वो नहीं है म्यूजिक कंपनी वो म्यूजिक कंपनी रत्नाकर जी ने ले लिया वो सिनेमा खेसारी जी ने खरीदा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स करेक्ट और वर्ल्ड वाइड से ट्रेलर रिलीज हुआ और धमाल मचाया खूब मिलियन में उसके ट्रेलर व्यूज दे रहे बाद में फिल्म सी टीवी ने खरीदा बीच में समस्याएं आई उस सिनेमा को थिएटरिकल रिलीज करने में 5-7 महीने लगे लोग तारीख पे तारीख दामरी कोड बनाया उस सिनेमा को लेके लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा संजोग वश ठीक कोविड के पहले मार्च में फैब में रिलीज हो गई थी और मार्च तक चली और 22-23 के शायद लॉकडाउन था तो सारे थिएटर बंद हुए तब से थिएटरों का हाल भी वही है तो ये सारी चीज़ें तो ये रहा लव मैरिज की कहानी